दोस्तों, शार्पनर पेंसिल से हम हेयर पोर्शन को पहले बनाएंगे और पहले हमें लाइटली शेडिंग करना है। फिर हमें सेम पेंसिल से थोड़ा सा डार्क करना है और साथ में ब्लेंडिंग भी हमें करना है और साथ साथ में टोम्बो मोनो यूज़ करके डिटेलिंग भी हमें करना है। अब दोस्तों, HB पेंसिल से हमें इस पेंटिंग का इनिशियल लेयर शेडिंग करना है और ब्लेंडिंग भी करना है। अब दोस्तों, जो भी हिस्सा मैं डार्क कर रहा हूँ उस हिस्से को स्टेप बाय स्टेप 2B पेंसिल से 8B पेंसिल तक यूज़ करके हमें डार्क करना है ताकि पेंटिंग रियलिस्टिक दिखे। अब दोस्तों, पहले 2B फिर 4B फिर 6B पेंसिल को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके फेस के बाकी हिस्से को डार्क करना है। फिर पहले ड्राई ब्रश और बाद में पेपर स्टाम्प का यूज़ करके ब्लेंडिंग करना है और धीरे धीरे पेंटिंग को रियलिस्टिक बनाना है। दोस्तों, शेडिंग के वक्त हमें पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करना है और धीरे धीरे पेंसिल का ग्रेड इंक्रीज करके हमें अंत में 7B 8B जैसे डार्क पेंसिल को यूज़ करना है। दोस्तों, पेंटिंग को रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमें बीच बीच में डिटेलिंग करना पड़ता है। अब दोस्तों, बाबूराव का फेस को हमें और भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमें बैकग्राउंड को थोड़ा सा शेडिंग करेंगे और देखेंगे कितना मज़ा आ रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों, हमें बाकी पार्ट को भी धीरे धीरे शेडिंग करके डार्क करेंगे। शेडिंग बिल्कुल हमें लेयर वाइज करना है। दोस्तों, HB पेंसिल से शुरू करके हमें 8B पेंसिल्स तक का लेयर लगाना है। अब दोस्तों, हमें राजू को बनाना है। पहले शार्पनर पेंसिल से हमें राजू के हेयर को बनाएंगे और ब्लेंडिंग करेंगे। अब दोस्तों, ग्रेजुअली सर्कल का क्रेड इंक्रीज करके हमें बालों को डार्क करना है और दोस्तों, हमें राजू के बालों को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हेयर में नीडेड रेजर का यूज़ करके थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। आ रहा है ना मज़ा दोस्तों? अगर आप इस वीडियो को रियली एंजॉय कर रहे हैं और इस वीडियो को अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे जो Facebook पेज है देवूज आर्ट स्टूडियो, उस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। अब दोस्तों, 2B पेंसिल का यूज़ करके हमें गाल के कुछ पार्ट को डार्क करेंगे और बाकी पार्ट को ऐसा ही व्हाइट छोड़ देंगे। इस ऑब्जेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस नहीं चाहिए, इसीलिए हम 80% वर्क इस ऑब्जेक्ट में 2B और 4B से ही करेंगे। दोस्तों, एक पेंटिंग को अच्छी खासी स्टेज पर पहुंचाने के लिए
हर स्टेप में ब्लेंडिंग करना ज़रूरी है। ब्लेंडिंग शेडिंग को स्मूथ बनाता है और पेंटिंग का जो रियलिस्टिक इम्पैक्ट है उसे बढ़ावा देता है। दोस्तों, अब इस पेंटिंग का लगभग हम 70% काम ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी पेंटिंग ख़त्म नहीं हुआ है। इस पेंटिंग को मोर रियलिस्टिक, मोर परफेक्ट करने के लिए अभी भी कुछ काम बाकी है। हमें बैकग्राउंड को अभी शेडिंग करना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोस्तों, वही HB पेंसिल से शुरू करके हमें 4B पेंसिल्स तक स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके शेडिंग करना है। अब ये बैकग्राउंड का जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं है, इसीलिए मैं इसमें हाइस्ट 4B पेंसिल्स तक का ही यूज़ करूँगा, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम ब्लेंडिंग का सहारा लेंगे। दोस्तों, ब्लेंडिंग को हमें नहीं भूलना चाहिए।